बारात आने के पहले थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो हम आपको बताएं हम किसके बहुत बड़े फैन हैं। आयुष्मान खुराना के। वो क्या बात कर रहे हैं, आप भी फैन हैं? तो भाई बारात आने के पहले टीवी की दुनिया के आयुष्मान खुराना यानी कि भारत से मिलने। का बेयर बॉडी अंदाज, टीवी के हैंडसम मुंडे का टशन, ये है छोटे पर्दे का आयुष्मान खुराना। जी हाँ, ये है बेहद टू के राजीव यानी रुद्र के सौतेले भाई, और इनके भी इरादे नापाक हैं क्योंकि ये है माया के साथ और माया की हर चाल में राजीव उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनका मकसद भी है रुद्र और उसके परिवार को बर्बाद करना और अपना बदला लेना। और आज हम राजीव यानी पारस मदान की रियल जिंदगी में आज हम करेंगे ताका झाकी, कैसे ये दिल्ली का छोरा मुंबई में अकेले करता है बसेरा। देखेंगे पारस का आशियाना, करेंगे उनके घर की सैर, साथ ही पारस दिखाएंगे अपना मास्टर शेफ वाला हुनर, जानेंगे क्या है पारस की हॉबीज और कैसे रखते हैं वो अपनी फिटनेस का ख्याल, करते हैं वर्कआउट, लेंगे पारस से ढेर सारी फिटनेस टिप्स, और हाँ पारस संग झींगा गेम भी खेलेंगे। तो चलिए टीवी के इस हॉट हॉट मुंडे के साथ करते हैं डे आउट, चलते हैं उनके घर कहने उन्हें गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे घर में। आज सास बहू और बेटियां मेरे घर पर आए हैं, मेरा दिनचर्या जैसा रहता है वो सब कवर करेंगे और देखते हैं आज क्या क्या मस्ती होती है। वैसे पारस को आप सीरियल दिव्य दृष्टि में भी देख चुके हैं, पिशाचिनी के खतरनाक कारनामों में उनका साथ देने वाले बिच्छू के रूप में, और हाँ इन्हें कहते हैं छोटे पर्दे का आयुष्मान खुराना भी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं पारस के घर की सैर, क्योंकि ये घर उन्होंने अपने हाथों से जो सजाया है। सो मेरे दिन की शुरुआत जो होती है अर्ली मॉर्निंग से कर्टन्स खोल कर होती है। यू कैन सी द अमेजिंग व्यू आउटसाइड, कि मतलब सुबह सुबह उठो कोल्ड ब्रीज, हाथ में कॉफ़ी हो या चाय हो तो अलग ही मज़ा है। मेरा येलो बेड जो कि रिफ्लेक्ट करता है सूरज को। आई एम टू मच इन टू सन एंड मून, सो आई लाइक टू सिट ऑन दिस। आई हैव अ लॉन्ग चेयर, कॉफ़ी लेके आराम से चिल करना, कुछ पढ़ना। आई हैव लॉट ऑफ बुक्स देयर। I like to play games with my friends. I have Jenga, I have got Monopoly, I got Risk. Jenga is the amazing game जो सबको अच्छा लगता है, I think बच्चों को ही पसंद आता होगा। खेल के साथ साथ बातें भी होती रहेंगी, लेकिन अब बारी है थोड़ा डांस वांस करने की, और देखिए कैसे पारस बाला गाने पर दिखाने लगे अपने नच का कमाल। मैं जेंगा में हार गया सास बहू और बेटियों से, तो उन्होंने मुझे दी है पनिशमेंट, और पनिशमेंट में ये करना है कि मुझे डांस करके दिखाना है, वो भी बाला सॉन्ग पे, क्योंकि बाला मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो लेट्स ट्राई दिस सॉन्ग।
वही डांस करने के साथ साथ पारस को बुक्स पढ़ने का भी बेहद शौक है और साथ ही लाइट और सेंटेड कैंडल्स का भी। सो कभी कभी बुक्स पढ़ने का भी टाइम मिल जाता तो पढ़ लेते हैं टाइम्स में। सो मेरी जो सबसे ज्यादा फेवरेट बुक है वो है सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। आई थिंक मोस्टली सब लोगों को तो सीक्रेट के बारे में पता होगा कि क्या है। इट्स लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हो या आप जो मानते हो, कई बार होता है ना कि हमने कुछ मांगा और सही में सीरियसली हो जाता है, तो इट्स ऑल अबाउट सीक्रेट। तो मुझे सेंटेड कैंडल्स का बहुत शौक है। घर में जब आप आओ, एक कभी होता है ना हम किसी के यहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस मिलती है, तो मेरा जो है घर का जो फ्रेग्रेंस का एम्बियंस बनाने का वो है सेंटेड कैंडल्स। सो मैं जब जब कभी लो फील कर रहा होता हूँ या कभी जैसे होता है पेरेंट्स तो यहाँ नहीं रहते साथ में, तो जब अकेला होता हूँ और एम्बियंस चाहिए होता है तो आई लाइट द कैंडल और घर को महका देता हूँ। एवरी ईयर मैं क्रिसमस ट्री लेकर आता हूँ, अपने फ्रेंड्स का सेलिब्रेट करता हूँ और माउंट मैरी ज़रूर जाता हूँ 24th को नाइट को। कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं लाइट्स की, ये वाइन बॉटल नहीं है, ये लाइट बॉटल है मेरे पास। मेरे मतलब आई हैव लिमिटेड फ्रेंड्स जो कि बहुत खास हैं, मेरे दिल के पास हैं, तो उनमें से मेरे कुछ फ्रेंड्स की एक फोटोग्राफ यहाँ पर है, बाकी फोटोग्राफ अभी नहीं है मेरे पास। सो दैट्स मी। ये भी क्रिसमस की, अगर आप देख सकते हैं हम सबने रेड पहना हुआ, सबने कैप्स ऐसे लगा रखी हैं सेंटा कैप्स। दैट्स मी, दैट्स माई भावना फ्रेंड एंड दैट्स शुभदा। और ये हमारी छोटी सी गौ माता, जैसे हमारी माँ होती है वैसी गाँव माता भी होती है। सो घर में रखना बहुत अच्छा होता है। कृष्ण जी की भी, राधा जी के भी, अगर आप पीछे उनके तस्वीरों में देखें तो उनको भी आप गौ माता दिखेंगी आपको। बुद्धा मींस पीस। जब मेरे को थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है तो मैं बुद्धा को थोड़ी देर बैठ के स्टेयर करता हूँ और मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ। भाई पारस के साथ घर की सैर तो कर ली, लेकिन पारस का दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक वो गर्मा गर्म कॉफी ना पी ले, और वो भी खुद के हाथों से बनी हुई। तो बस किचन में पहुँच कर वो बन गए मास्टर शेफ और बनाई गर्मा गर्म कॉफी। भूख लगी है या कुछ पिया जाए बढ़िया सा, तो चलिए कॉफी बनाते हैं। मुझे कॉफी बहुत पसंद है। आपको ज्यादा दूध वाली कॉफी पसंद है तो दूध डाल सकते हैं। अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा होता तो मैं कॉफ़ी को थोड़ा सा कप में डाल के उसमें थोड़ा चीनी और एक या दो बूंद पानी डाल के उसको स्टर करके, उसके फ्रॉथ बना के लाइक बीट करके, फिर पानी उबाल के या दूध उबाल के उसके अंदर डालता तो अच्छी सी फ्रॉथ बनती है। कॉफ़ी हो गई है तैयार, तो कॉफ़ी पीने से पहले एक बार खुशबू ले लेते हैं। ऐसी कॉफी मिले तो दिन मजा आ जाए। चलिए कॉफी मोमेंट तो हो गया खत्म, तो अब चला जाए जिम, बिकॉज दिस इज माई जिम टाइम। सो लेट्स गो, लेट्स चेंज। भाई पारस मदान है फिटनेस फ्रीक और वो अपनी फिटनेस का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं और एक भी दिन जिम मिस नहीं करते। तो आज भी वो निकल पड़े सास बहू और बेटिया संग जिम करने। तो दिस इज माई जिम बैग, सो लेट्स पुट सम स्टफ जिम के लिए जो बहुत ज़रूरी है मेरे को। सबसे पहले तो हैंड टॉवल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्वेट आता है तो आपको यू कैन वाइप इट आउट, क्योंकि दूसरे लोगों को कई बार ऐसा होता है ना कि यार बेंच यूज हो गया या स्वेट लग गया, तो इट्स बेटर यू कीप योर ओन टॉवल। मेरे ग्लव्स जिम में पहनने के लिए ताकि हाथों पर इफेक्ट ना आए, क्योंकि जब कई बार हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कट्स आ जाते हैं, तो आई यूज़ माई ग्लव्स। परफ्यूम इज मस्ट। माई सिपर जिसमें मैं पानी डालता हूँ, और वर्कआउट के टाइम पे आई कीप ऑन सिपिंग इन बिटवीन। अपने आपको हाइड्रेट रखता हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर माई वर्कआउट आई डू स्किपिंग। सो स्किपिंग हमेशा मेरे पास होती है, इधर आई एम वर्किंग आउट, चाहे मैं सेट पे भी हूँ, शूट भी कर रहा हूँ, अगर जिम जाने का टाइम नहीं लगता तो मैं एटलीस्ट 500 से 1000 स्किपिंग ज़रूर करता हूँ डेली। सो दिस इज़ द मंत्र ऑफ माई फिटनेस। एंड येस द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माई हेडफोन्स। इसके बिना मोटिवेशन नहीं मिलती। पारस को घर से जिम जाने में लगते हैं 20 मिनट। सो
दिस इज वेयर आई स्टे एंड मेरी बिल्डिंग के सामने ही एक हेरिटेज अब गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया है, ये माउंटेन, उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर है जो बहुत ही प्यारा मंदिर है, माता का मंदिर है। जिम जाने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स तो कहीं नहीं गए, क्योंकि बीच में सिग्नल्स हैं, कई बार ट्रैफिक मिल जाता तो टाइम लग जाता है, तो इसलिए इधर हेडफोन्स या म्यूजिक। और इस दौरान उन्होंने सास बहू और बेटिया संग अपना करियर नामा बताया और साथ ही बताया आयुष्मान खुराना से कनेक्शन और दिखाई अपनी एक्टिंग स्किल्स भी, जब वो बन गए ड्रीम गर्ल की पूजा। एयरपोर्ट पे आके मुझे बोलते हैं हाय अपार शक्ति आप कैसे हो, या हाय आयुष्मान आप कैसे हो, तो इनफैक्ट मतलब ये चीज़ें सुन सुन के ना थोड़ा सा लाइक एक अच्छा भी लगता है कि यू नो मेरे को वहाँ कंपेयर किया जा रहा है उनके साथ, बट एक थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि मेरी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, मैं खुद एक एक्टर हूँ। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के अखियां चो अंजू रोड ले। हाय, मैं पूजा बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? आप मेरे ना फोन का जरूर इंतजार करिएगा। फोन भी आ गया। हाय, कैसे हैं आप? आपको मेरी याद आ गई, सो नॉटी यू आर। लगता पूजा बहुत डिमांड में आ गई है, पूजा को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो कभी हवेली पे आइए, गुफ्तगू करेंगे और चाय पियेंगे साथ में। सीज़न में ऐसा है कि माया इस चीज़ को रिवेंजफुली चीज़ों को आगे निकालेगी, चाहे वो मेरे किरदार के साथ हो, मेरा माया के साथ रहेगा, वो थोड़ा सा मेरी हेल्प लेगी या मैं उसकी हेल्प करूँगा, तो वो चीज़ें हैं जो वो रुद्र की या रॉय फैमिली में जाके उनके साथ मैनिपुलेट करके उनके साथ कैसे उनको खुद के जाल में फंसा के वो कैसे रिवेंज लेती है। तो सफ़र तो रहा बहुत अच्छा अब तक का, बट देखिए ना हर एक इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और हर एक इंसान उस चीज़ों से गुजरता है, तो हर कोई खुश नहीं होता, तो ठीक है हम भी कभी रफ पैथ से भी जाना पड़ता है, बिकॉज हमारी फील्ड ऐसी है कि कभी काम है कभी काम नहीं है, बट अभी तक की जितनी भी जर्नी थी मेरी या जितनी भी जर्नी चल रही है वो अभी तक की बहुत अच्छी है। तो जर्नी आई वॉज, जब मैं पहुंचा था एक्साइटेड था कि हाँ मैं एक कहते हैं ना माया नगरी में आया हूँ और कुछ करना है, एक तरह की वो खुशी भी थी और एक तरफ का ये भी था कि अपने मॉम डैड को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को वहीं पीछे छोड़ के अकेला यहाँ जर्नी स्टार्ट करूँगा। अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, मिस ज़रूर करते हैं, मैं खासकर अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत मिस करता हूँ, तो अब माँ तो थी नहीं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो खुद से करना ही था, तो खाना बनाने की प्रैक्टिस शुरू करी, चाय बनाना शुरू करी, तो करते 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 इतना परफेक्शनिस्ट हो गए कि लाइक मैं खाना खुद ही बना सकता हूँ। बातों बातों में हम पहुँच गए पारस के जिम। So now we are at the entrance of my gym. That's my gym, Elixir, by Pradeep. So let's go there and in the meanwhile I'll show you around ki kya hai gym mein, kya kya cheeze hain. Aur gym pahunchte hi protein shake lekar shuru hua Paras ka bare body wala workout. Aur dekhiye kaise wo jump kar kasrat kar rahe hain. So before starting my workout main BCAA dal ke zarur peeta hu, inter workout jise kehte hain. बिकॉज़ वो आपकी एनर्जी को बरकरार रखती है और आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी देती है थ्रू आउट वर्कआउट, सो दैट्स वन स्कूप ऑफ इट एंड इट्स अ लेमन फ्लेवर, इट्स टैंगी एंड इट्स यम्मी। हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से, क्योंकि बॉडी को वार्म अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल जो हमारा रहता है कोल्ड, और थोड़ा सा वार्म अप करेंगे मसल थोड़ा सा ईजी रिलैक्स होगा। We are done with the warm up, so let's begin our workout. So. Let's start with 10 kgs and let's do biceps. I want to lift heavy. I don't lift heavy much. Jitna lightweight karo, injury nahi hoti. Because heavy mein posture aapka galat hoga, to obviously bata injury hoti hai. So better lift according to your resistance.
देखा आपने, ऐसे ही नहीं मिलती फिटनेस वाली बॉडी, उसके लिए करनी होती है ढेर सारी मेहनत। स्किपिंग इज वेरी गुड, उसमें आपकी नी इंजर्ड नहीं होती, आपको कोई इंजरी नहीं होती, ट्रेडमिल पे इंजरी बहुत होती है। स्किपिंग इज द बेस्ट, और ट्रेडमिल से ज़्यादा बर्न स्किपिंग में मिलता है। अगर एक मिनट करते हो तो 15 कैलोरीज बर्न होती हैं एक मिनट में। हालत देख सकते हैं मेरी, पसीना पसीना हो चुका हूँ, आई एम लाइक टू मच स्वेटिंग, सो इसलिए मैंने पानी साथ में रखा है। सो आज सर्किट ट्रेनिंग करी मैंने, तो उसमें मैंने अपने शोल्डर्स के लिए ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, चेस्ट, बैक सब कुछ इंक्लूड किया। एंड इट्स गुड एट टाइम्स टू डू सर्किट ट्रेनिंग एज वेल, तो अपनी बॉडी को शॉक दे सकते हो, एंड इफ़ यू नीड गुड चेंजेस इन योर बॉडी एंड यू वांट अ गुड पंप इन योर बॉडी, सो इट्स गुड टू डू सर्किट ट्रेनिंग एट टाइम्स, तो उसमें आपकी सारी बॉडी कवर हो जाती है। तो भाई उम्मीद है आपने पारस से ली होंगी ढेर सारी फिटनेस टिप्स, और साथ ही जानी होंगी टीवी के आयुष्मान खुराना के बारे में कई सारी बातें भी। सो आज का जो मेरा पूरा दिन था सास बहू और बेटियों के साथ, बहुत ही उम्दा रहा, मेरे को बहुत मज़ा आया। आई होप कि सास बहू और बेटियों को मेरे साथ बहुत मज़ा आया होगा। जेंगा में नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर हराऊंगा, और पूजा भी आपको ये बोलेगी कि नेक्स्ट टाइम मेरे घर ज़रूर आना, दो कप चाय साथ में पियेंगे। ओके, आई विल सी यू, बाय बाय। ओके गाइज, आई विल सी यू वेरी सून, आदियोस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, लव यू ऑल। नूपुर माउची, मुंबई, आज तक।